हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी मौसम पाए जाते हैं, मुख्यतः सर्दी गर्मी और बरसात का मौसम मिलता है। और हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान हिस्सा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी का प्रकोप रहता है। हमारे इस इलाके के अंदर लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ठंड पड़ती है, मार्च के बाद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में और मुख्यतः अपने चूरू इलाके के क्षेत्र में सर्दी और गर्मी का भयंकर प्रकोप होता है, जहां सर्दियों में यहां पारा जीरो से लेकर माइनस तक चला जाता है, एक या दो तक, माइनस एक या दो डिग्री तक। उसी तरीके से गर्मी में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जाता है। और गर्मियों से होने वाले जो मुख्यतः रोग होते हैं, वो एक हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें गर्मी के अंदर मरीज का शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और मरीज के अंदर पानी की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। शरीर, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर तपने लगता है और उल्टी और दस्त का प्रकोप भी सामान्यतः देखा जाता है। और इस क्षेत्र में जो लोगों के पुराने लोगों का जो खान पान था, वो मुख्य था, इसी प्रकार से तय किया गया था कि वो गर्मी के प्रकोप से आदमी को बचाता था। जैसे यहाँ के लोग राबड़ी खाते हैं, जो छाछ और बाजरी के आटे से बनाई जाती है। इसके अलावा बेल का शरबत पीते हैं, इसके अलावा पुदीने का शरबत है, आम का पन्ना है, कैरी का, नींबू की सिकंजी है। ये सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से और हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, इसके साथ साथ पौष्टिकता भी प्रदान करती हैं। आजकल के जो आधुनिक पेय हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसे अपन कहते हैं, वैसे नाम उनको सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, परंतु वो सॉफ्ट नहीं होते, हमारे शरीर के लिए हार्ड होते हैं। और यदि किसी मरीज को उल्टी, दस्त या गर्मी का प्रकोप हो जाए और उनको इस तरीके के सॉफ्ट ड्रिंक्स पिला दिए जाएँ, तो उनमें पानी की कमी बढ़ती है, घटती नहीं है। किसी भी उल्टी दस्त के मरीज को कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देना चाहिए। आप छाछ दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आप नींबू की सिकंजी दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, पुदीने का शरबत दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आप जो भी चीज़ दें उसमें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग यहाँ क्या करते हैं, हमने देखा प्रैक्टिकली कि जैसे उल्टी दस्त हुए या गर्मी लगी तो ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। मना नहीं करते ग्लूकोज का पानी पिलाइए, परंतु एक गिलास ग्लूकोज में, एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच ग्लूकोज डालते हैं, तो कम से कम उसमें चुटकी, अपनी चुटकी में जो नमक आता है, इतना नमक जरूर डालिए, वरना ग्लूकोज का अपने शरीर में बिना नमक की उपस्थिति से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मतलब वो अपने शरीर को लगता नहीं है और शरीर में किसी काम का नहीं रहता। और यदि अपन किसी उल्टी दस्त के मरीज को ग्लूकोज का पानी लगातार पिलाते रहें, तो उससे दस्त का प्रकोप बढ़ता है, घटता नहीं है। अतः यहाँ के लोगों को जो यहाँ की रूटीन में जो ली जाने वाली डाइट्स हैं, जो मैंने आपको भी पहले चर्चा की थी, इसकी राबड़ी है, छाछ है, और ये सब चीज़ अगर अपन गर्मी में रहें, प्याज का नियमित रूप से उपयोग करें, नींबू का उपयोग करें, और धूप में अपना सर ढक कर निकलें। शरीर को लोग अधिकतर देखा जाता है कि गर्मी में कम कपड़े पहनते हैं, परंतु गर्मी में धूप में जब आप निकलें तो पूरी बाजू की शर्ट पहनें, शरीर को ढक के रखें, सिर को मुख्यतः ढक के रखें, हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के या हल्के कलर के कपड़े पहने और खुले हवादार कपड़े पहने, तो उससे आप गर्मी के प्रकोप से काफ़ी बचाव हो सकता है। इसके अलावा आजकल के लोगों में ये देखा जाता है कि एयर कंडीशन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, एयर कंडीशन और कूलर का। तो आपको मैं बता दूँ, प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर पंखा सबसे कम नुकसान करता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करता। कूलर अगर अपन हर सातवें दिन उसकी सफाई वगैरह करें और उसकी सही देखभाल से करें, तो नुकसान नहीं करता। एक सीज़न में कम से कम एक बार उसकी जो टाटे लगे थे उसको बदलें, तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता। पर एसी के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एसी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हवा होती है, अपन कमरे के अंदर की हवा होती है, वो बार बार रिसर्कुलेट होती है, उससे इन्फेक्शन की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अतः लोगों से निवेदन है कि एसी का प्रयोग आप कम से कम करें, और यदि करते हैं तो अचानक एसी से गर्मी से ठंड में, ठंड से गर्मी में ना आए, नहीं तो उससे नज़ला वगैरह। आप इसी प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे उसके लिए यह बेल का बटन भी दबा दें।